हेलो माय डियर डर एम्बाइबुल्स वेलकम टू एम्बाइव लाइव क्लासेस एम्बाइव लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों मैं हूं आपका बाल एजुकेटर सलमान अमर खान हेलो शाजिया हेलो काजल हाउ आर यू गाइस तो लेट्स गो हेड आज बच्चों हम इलेवेंथ क्लास में आपके आपके बोर्ड लेवल पे हम रूट की शुरुआत करने जा रहे हैं ठीक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूट सेगमेंट ठीक है हम रूट चैप्टर रूट पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स पढ़ने वाले हैं ठीक है हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है ये ठीक है गुड इवनिंग शेख ठीक है तो लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट विद द रूट सेगमेंट मैं आपको पहले ही बता दूं छोटे छोटे क्लासेस होंगे ये ताकि आप लोग एक गो में पढ़ सके सभी बच्चे ठीक है तो रूट के बारे में आज हम पढ़ेंगे अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों मेरा नाम है सलमान अनवर खान मैं आप सभी को बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ ठीक है आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूँ चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो हर सेगमेंट में बच्चों हमने बॉटनी मैंने बॉटनी पढ़ाया है लेट्स गो एंड स्टार्ट है लेक्चर लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं हम हम <laughs> बच्चों रूट से शुरुआत करेंगे ठीक है इंट्रोडक्शन टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बेसिक वो मैं आपको कवर अप कर दूंगा व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स ठीक है फिर हमें मेन आपको रूट की शुरुआत करनी है ठीक है मेन हमें आपके रूट के बारे में हमें पढ़ाई करनी है कि वॉट इज अ रूट उसके बारे में हमें जानना है ठीक है तो अगर हम टॉपिक देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट टाइप्स ऑफ रूट प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट टैप रूट फाइब्रस रूट एज एज वेल रूट के बारे में आज हम पढ़ेंगे लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट रूट चैप्टर सो प्लांट यूजेस सम एंकर समिच सिक्योर देम इन सॉइल एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ तो प्लांट्स के अंदर में क्या होता है बच्चों आपके जो प्लांट्स जो अपराइट खड़े होते हैं उन सारे प्लांट्स के अंदर में एक एंकर की जरूरत होती है तो प्लांट्स के अंदर जो एंकर होता है जो इनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होता है बच्चे आपका रूट होता है ठीक है रूट के बहुत सारे काम होते हैं रूट की वजह से ही एक प्लांट अपराइट खड़ा है सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है एज वेल एज वाटर एंड मिनरल का ऑब्जॉर्ब्शन हो रहा है तो अगर हम सबसे पहले मॉर्फोलॉजी अगर हम इस चैप्टर से पढ़ें ठीक है चैप्टर का नाम क्या है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ लारिंग प्लांट्स ठीक है चैप्टर का नाम क्या है बच्चों आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स है बच्चों हमारे चैप्टर का नाम ठीक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स ये जो चैप्टर है बच्चों इसमें आपकी दो डेफिनेशंस आ जाती हैं ठीक है मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ठीक है आपके मॉर्फोलॉजी में क्या होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या व्हाट डज दिस वर्ड मॉर्फोलॉजी मीन्स ये क्या है बच्चों इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस ठीक है इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डील्स द स्टडी ऑफ डील्स विद द ऑफ दो बार आ गया ठीक है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ठीक है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल features इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों मॉर्फोलॉजी बुलाते हैं ठीक है तो morphology क्या बच्चों ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों मॉर्फोलॉजी बुलाते हैं ठीक है और वहीं पे अगर हम फ्लॉरिंग प्लांट्स देखते हैं तो फ्लॉरिंग प्लांट्स बच्चों आपके एनजीओस्पर्म के अंदर में आते हैं ठीक है आपके एक एनजियोस्पम के अंदर में आपके

ठीक है जो टॉप पे जा रहा है उसको हम जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसको उस पूरे के पूरे सेगमेंट को हम क्या बुलाते हैं वी कॉल द शूट सिस्टम और जो आपका बिलो पोर्शन है जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द रूट सिस्टम ठीक है इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों हम रूट सिस्टम बुलाते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रूट सिस्टम ठीक है सो वी हैव टू सिस्टम्स अवेलेबल ओवर रहे रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम बुलाते हैं अब शूट सिस्टम के अंदर कई सारे चीजें आती हैं ठीक है शूट सिस्टम इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज लॉट्स ऑफ थिंग्स जैसे इसके अंदर में क्या आता है स्टेम आते हैं लीव्स आते हैं देन वी हैव फ्लावर वी हैव फ्रूट वी हैव सीड्स ठीक है कई सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर में आपके शूट सिस्टम में कई सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और रूट सिस्टम में क्या आता है बच्चे आपका सिर्फ और सिर्फ रूट आता है आज का लेक्चर पूरा का पूरा रूट के ऊपर होने जा रहा है रूट क्या है बच्चों रूट्स आर द द एंकर्स यूज्ड बाय प्लांट्स रूट सपोर्ट प्लांट फर्मली इन द सॉइल ये क्या करता है बच्चों सपोर्ट करता है प्लांट को फर्मली इन द सॉइल के अंदर में सपोर्ट करता है अब रूट कैसा होता है बच्चों ये आपका नॉन ग्रीन पार्ट है पहला अगर हम मेन पॉइंट लिखे लिखा हुआ है वैसे यहां पे ठीक है अगर हम रूट के बारे में रूट्स आर द डिसेंडिंग कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लांट एक्सेस नीचे की तरफ जाने वाला कॉम्पोनेंट होता है ठीक है नीचे की तरफ मूव करने वाला कॉम्पोनेंट होता है ये हमेशा कैसा होता है दे आर

मैक्सिमम कंडीशन में नॉन ग्रीन होते हैं नॉर्मल प्लांट के अंदर में कुछ स्पेशल क्लासेस को छोड़ के ठीक है इनके पास कोई भी नोट्स एंड इंटर नहीं होती है ठीक है हैज अ रूट कैप टू प्रोटेक्ट द टिप प्रोसेस यूनिसेलुलर रूट है इन सब के पास यूनिसेलुलर रूट हेयर्स मतलब सबके पास भी नहीं मैक्सिमम केसेस में यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होती है मैक्सिमम केसेस में रूट कैप अवेलेबल होती है ठीक है

आज की क्लास इन्हीं तीन रूट सिस्टम को समझने में लगेगी ठीक है इन्हीं तीन रूट सिस्टम को हमारी समझने में आज की क्लास लगने वाली है सो वी हैव टैप रूट फाइबरस रूट एंड आपका क्या होता है बच्चे आपका क्या होता है बच्चों वी हैव द एडवेंटिशियस रूट अब ये याद रखिएगा रूट हमेशा रूट ओरिजिनेट करता है किससे आपके रेडिकल से रूट हमेशा किससे ओरिजिनेट करता है बच्चों रूट ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल ठीक है आपके रेडिकल के पार्ट से हमेशा क्या करता है बच्चों रूट ओरिजिनेट करता है आर फॉर रूट आर फॉर रेडिकल ठीक है तो जो रूट आपके रेडिकल से ओरिजिनेट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों टैप रूट या प्राइमरी रूट कहते हैं ठीक है तो सारे के सारे रूट्स आपके स्टार्टिंग में आपके टैप रूट से ही निकलते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके ठीक है प्लेम्यूल इज फॉर शूट वेरी गुड ठीक है आपका प्लेम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शूट फॉर्मेशन के लिए आपका ये प्लेम्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है एपसोल्यूटली करेक्ट है ये आपका कहना क्लियर है गाइज लेट्स गो एंड स्टार्ट विद द रूट्स एक ही करके हम सारे रूट्स के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हम टैप रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट प्रेजेंट होता है है बच्चों दे आर इन ठीक ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके डायकॉट्स में प्रेजेंट है अब ये जो टैप रूट सिस्टम है ये क्या होता है द रेडिकल डायरेक्टली लॉन्गेज रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ प्राइमरी रूट टैप रूट को बच्चों हम प्राइमरी रूट भी बुलाते हैं ठीक है दिस टैप रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट हेलो स्नेहा ठीक है दिस टैप रूट रूट इज कॉल्ड एज प्राइमरी भी बुलाते हैं राइट टैप रूट को हमेशा हम प्राइमरी रूट भी बुलाते हैं जो कि डायरेक्टली आपके रेडिकल से ग्रो कर रहा है ठीक है और इसी के थ्रू आपके लेटरल रूट सेकेंडरी ये सब का फॉर्मेशन होता है अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये क्या है बच्चे आपका टैप रूट है जिसको हम प्राइमरी रूट बुलाते हैं अब इनके ऊपर जो ब्रांचेस आ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं गाइस दिस ब्रांचेस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी रूट लाइक दिस वी हैव द सेकेंडरी रूट प्रेजेंट इस तरीके से बच्चे आपके पास क्या जाते आ जाते हैं सेकेंडरी रूट आ जाते हैं ठीक है दीज आर द सेकेंडरी रूट अब इसी सेकेंडरी रूट के ऊपर में क्या होते अवेलेबल है टर्शरी रूट लाइक दिस तरीके से क्या होते हैं बच्चे आपके पास टर्शरी रूट अवेलेबल होते हैं ठीक है लाइक दिस वी हैव द टर्सरी रूट प्रेजेंट अब इसी रूट्स के ऊपर में क्या होते हैं बच्चे आपके फर्दर रूट्स प्रेजेंट है दिस like like आपके पास क्या होते हैं रूटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों यही है बच्चे आपका टैप रूट सिस्टम तो ये जो मेन रूट है ये व्हाइट कलर की जो मेन रूट है इसको हम क्या बुलाते हैं वी द प्राइमरी रूट ठीक है अब इसके ऊपर जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं उसको हम क्या बुलाते हैं सेकेंडरी रूट अब सेकेंडरी रूट के ऊपर भी जितनी ब्रांचेस आ रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं वी कॉल एज द टर्सरी रूट अब टर्सरी रूट के ऊपर जितनी भी ब्रांचेस आ रही हैं अब जितने भी ब्रांचेस हो जाए फर्दर ब्रांचेस को हम क्या बुलाएंगे रूटलेट्स ठीक है इसके बाद जितनी भी ब्रांचिंग हो जाए उसको हम क्या बुलाएंगे रूटलेट्स बुलाते हैं ठीक है वॉट एवर द फर्दर ब्रांचिंग इज देर वी आर गोइंग टू कॉल द एज रूटलेट्स बुलाते हैं ठीक तो प्राइमरी रूट डेवलप्स फ्रॉम डेवलप्स लेटरल रूट इंक्लूडिंग सेकेंडरी टर्सरी सोफो ठीक है ठीक है द प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम इसी को ही हम क्या बुलाते हैं बच्चों वी कॉल देम एज द टैप रूट सिस्टम इसको बुलाते हैं ठीक है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों वी कॉल देम एज द टैप रूट सिस्टम क्लियर है एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चे आपका मस्टर्ड हो जाता है बच्चों एग्जाम्पल

प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिफ्टीप्लेट फ्रामी में क्या हो रहा है जो कि डिजेनरेट कर गया जो कि क्या कर गया डिजेनरेट कर गया और स्टेम के बेस से इनकी जो स्टेम की जो बेस है बच्चों की जो सबसे लोअर नोड है स्टेम के लोअर नोड से स्टेम के बेस से आपकी रूट्स ओरिजिनेट हो रही stem के बेस से क्या हो रही है बच्चों आपकी रूट्स का ओरिजिनेशन हो रहा है और इन्हीं रूट को हम क्या बोलते हैं इस रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों दिस रूट इज कॉल्ड एज द फाइब्रस रूट इसी रूट को हम क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट बुलाते हैं तो हुआ क्या इसके अंदर में टैप रूट क्या करके बच्चों डीजेनरेट कर गया ठीक है तो टैप रूट इज गेटिंग डीजेनरेटेड टू फॉर्म द ठीक है टू फॉर्म दर्ड फाइब्रस रूट का फॉर्मेशन के लिए होता है ठीक तो है तो करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर बोल रहा हूँ अगर हम देखें तो फाइब्रस रूट किससे बना है टैप रूट से ही बनता है अगर मैं एक डायग्राम बनाऊ तो ये डायग्राम वैसे सही है लेकिन चलो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ सैक्रम का सैक्रम क्या है बच्चों आपको शुगर केन को हम सैक्रम बुलाते हैं लेट सपोज ये शुगर केन है तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है आपके लोअर पार्ट से क्या हो जाएंगे बच्चों लेट सपोज ये आ गई आपकी सॉइल ठीक है अब यहीं पे क्या हो जाएगा इस तरीके से आपके फाइबरस रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है लाइक दिस द रूट्स आर गोइंग टू फॉर्म इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों दीज रूट्स आर नथिंग बट द फाइब्रस रूट्स इन्हीं रूट्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों फाइबरस रूट्स बुलाते हैं इन रूट्स के साथ साथ बच्चों एक और रूट का अटैचमेंट होता है उनको हम क्या बोलते है? हैं स्टिल्ट रूट बुलाते हैं ठीक है जो कि आपका क्या है मॉडिफिकेशन वाला सेगमेंट है हम बाद में पढ़ेंगे उसको ठीक है तो एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों आपका वीट प्लांट हो गया ठीक है मतलब जितने भी आपके मोनोकॉट के प्लांट्स है जैसे वीट हो गया शुगर केन हो गया ठीक है इन सब के अंदर में रूट सिस्टम अवेलेबल होती है ठीक है ये आपको याद करना पड़ेगा अगला पार्ट पे चल जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या एडवेंटेश मुझे लग रहा है कि अगले पांच मिनट में क्लास भी खत्म हो जाएगी कोई नहीं रूट सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ऑल द रूट्स विच इज अराइजिंग अपार्ट फ्रॉम रेडिकल रूट अराइजिंग अपार्ट फ्रॉम रेडिकल

रेडिकल के अलावा कहीं और से भी रूट आ जाए ठीक है रेडिकल के अलावा कहीं और से जो रूट ग्रो कर रही है उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों रूट कहते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल एक्साम्पल प्रॉप रूट इन बैनियन ट्री एग्जाम्पल क्या प्रॉप रूट इन बैनियन ट्री या फिर अगर हम देखें ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम के अंदर में भी यही होता है ठीक है रूट्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द द ट्री एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट ठीक है तो ये आपके प्रॉप रूट चलो एक एग्जाम्पल भी मिल गया सपोर्ट का आपने यहाँ पे एक वो भी देख लिया तो प्रॉप रूट आपके इस बैनियन ट्री के अंदर में प्रेजेंट होती है ठीक है तो प्रॉप रूट क्या है बच्चों एक एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट होती है इनके अंदर में ठीक है तो इसका काम क्या है बच्चों एडवेंटिशियस रूट के बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं ठीक है दे हैव डिफरेंट डिफरेंट वर्क तो अगर हम देखें एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस आपके प्रेजेंट प्रेजेंट है रूट आर इन इसमें अरे क्या नाम है लहसुन के अंदर में प्रेजेंट होती है गार्लिक के अंदर में प्रेजेंट होती है एडवेंटिशियस रूट अनियन के अंदर में प्रेजेंट होती है ठीक है अगर मैं एक और दिखाऊं तो ब्राय की लीव को ड्रॉ करूं आई ड्रॉ ब्रायोफेलम लीव लेट सपोज ये आपकी ब्रायोफेलम की लीफ है ठीक है तो इसके बेसिस पे इस तरीके से बर्ड्स ग्रो करते हैं जो कि ग्रो करके एक प्लांट का फॉर्मेशन कर रही है like तो इसको हम क्या बुला रहे हैं ब्रायोफेलम है ये ठीक है स्वीट पोटेटो एज फॉर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके एडवेंटेशस्टम के अंदर में ये स्वीट पोटेटो इज अर दिस ठीक है वेरी गुड ठीक है तो इस तरीके से आपका क्या होता है बच्चों इनकी ग्रोथ हो रही होती है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के अंदर में ठीक है बस इतना ही था आज तो ठीक है फंक्शंस ऑफ रूट आपको पता है ये क्या करते हैं ऑफ वाटर मिनरल करते हैं ठीक है प्रोवाइड करते हैं एंकर टू द प्लांट स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल करते हैं एज वेल एस सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं ठीक है थीगे? और एक और चीज मैं आप सभी बच्चों को बता दूं तो वी हैव डिफरेंट रूट एरियाज प्रेजेंट रूट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीगे? तो अलग अलग मेच्योर uh, मतलब जोन जोन uh, है बच्चों तो अगर ये आपका एक रूट है लेट सपोज ये बच्चों आपकी एक रूट है तो उसके टॉप के पार्ट पे क्या होता है इस तरीके से एक रूट कैप प्रेजेंट है एट द टॉप दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अ रूट रूट कैप कैप और का, का काम क्या है ये प्रोटेक्ट करती है किसके आपके जोन ऑफ मेरिस्टम मेरिस्टम को प्रोटेक्ट करती है ठीक है दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द जोन ऑफ मेरिस्टम

जोन ऑफ मेच्यूरेशन में क्या होते हैं बच्चों ये प्रेजेंट होता है ठीक है तो टोटल चार जोन अवेलेबल है हमारे पास वी हैव फोर अवेलेबल तो टॉप का जोन ये कौन सा जोन है बच्चे आपका zone of maturation. जोन ऑफ मेच्यूरेशन ठीक है दिस इज द जोन ऑफ देशन ठीक है ये कौन सा जोन है बच्चों आपका जोन ऑफ मेच्यूरेशन होता है ये जोन ऑफ मेच्यूरेशन है फिर क्या है बच्चों आपका जोन ऑफ इलांगेशन आता है इसके बाद का जो जोन है बच्चों इसको हम क्या हैं जोन ऑफ ठीक है दिस जोन कॉल्ड ज़ोन ऑफ ठीक है ज़ोन ऑफ़ इलांगन के बाद क्या आता है बच्चे आपका जोन ऑफ मेरिस्टम आता है ठीक है ये आ गया आपका जोन ऑफ वो मेरिस्टम ठीक है आपका मेरिस्टम का जोन आ गया और इसके बगल में कौन सा ये कौन सा एरिया होता है बच्चों ये आपका रूट कैप होता है और इसी के साथ एसोसिएटेड होता है बच्चों रूट कैप के साथ ही क्या एसोसिएटेड है बच्चों विद द रूट कैप ओनली वी हैव द आपके सॉरी जोन ऑफ के साथ ही क्या होता है बच्चे आपके रूट हेयर्स अवेलेबल है ठीक है इन्हीं के साथ क्या अवेलेबल होते, है होते हैं बच्चों आपके रूट हेयर्स अवेलेबल होते हैं ठीक है द रूट रूट आर अवेलेबल अवेलेबल विद ओनली इन्हीं के साथ आपके होते हैं ठीक है तो हमें फंक्शंस क्लियर हैं बच्चों व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट पर पास ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द दॉइल प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एज वेल सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का ये काम करते हैं ठीक है चलो एक क्वेश्चन है फटाफट फड़ से आंसर करेंगे कनेक्ट द बबल क्वेश्चन है बच्चों ये फंक्शंस ऑफ रूट बताना है बच्चों ये तो अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड प्रोवाइडिंग एंकरेज प्लांट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इसका अगर हम काम देखें तो मेन काम क्या है तीनों का तीनों, का तीनों काम करता है एंकरेज स्टोरेज एंड कंडक्शन ऑफ वाटर ठीक है ये एंकर भी कर रहा है बच्चों स्टोरेज का भी काम कर रहा है एज वेल एज कंडक्शन ऑफ वाटर भी कर रहा होता है ठीक है इसका तीनों का, तीनों का तीनों काम होता है ठीक है नेक्स्ट फाइंड आउट द टैप रूट बहुत ही आसान है कौन सी इसमें से टैप रूट है Which one is a tap root? बराबर बड़ से गाइस आंसर करेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी करके बच्चों आंसर करें तो चलते हैं बच्चों करेक्ट आंसर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे संस्कृति आपका आंसर गलत है शाजी और आंसर मिडिल वन एंड ये वाला पहला और दूसरा ठीक है फर्स्ट एंड सेकंड दे बोथ आर द टैप रूट ये आपका फाइब्रस रूट है बट बाकी दोनों कौन से बच्चों आपके टैप रूट होते हैं ठीक है द फर्स्ट एंड सेकंड वन आर द टैप रूट फर्स्ट और सेकेंड क्या है बच्चों आपके टैप रूट है यहाँ पे ठीक है तो वही है आपका करेक्ट आंसर तो बस आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे आज हमने टैप रूट फाइब्रस फाइबर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है ठीक है अब अगर मैं बात करूं अगर आपको बच्चों नीट में दिलचस्पी है तो आपको क्या करना है एम्बाइव लाइव क्लासेस पे जाना है और रजिस्टर कर लेना है बच्चों हमारी सारी क्लासेस को और लेथ सपोज अगर आपको इलेवेंथ में क्लासेस की बोर्ड की क्लासेस ही देखनी है तो इलेवेंथ सीबीएसई पे सिलेक्ट करना है डन कर देना है और टड़ा आपका इस तरीके से एम्बाइव लाइव क्लासेस पे जाना है देन जस्ट गो एंड रजिस्टर फॉर द क्लासेस इस तरीके से आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है तो मैं ही खुद ही मैंने रजिस्टर नहीं किया तो मैं कर देता हूँ ठीक है अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स की अलग अलग क्लासेस चलती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द क्लासेस क्लासेस के लिए ज़रूर ज़रूर रजिस्टर करना शुरू कर देंगे लीव पे भी मैं रजिस्टर कर देता हूँ चलो ठीक है मैं आपको इंट्लोरस भी पढ़ाऊंगा उस पर भी कर दिया चलो ठीक है और क्या पढ़ाऊंगा मैं मैं आपको सूडोफोर्स नहीं पढ़ाने वाला सूडोफोर्स आपके गिरीश सर पढ़ाएंगे ठीक है मैं आपको फ्लावर पढ़ाऊंगा रजिस्टर कर देते हैं देन मैं आपको फ्लावर का सेकेंड लेक्चर भी लूंगा रजिस्टर कर देते हैं बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके समीर सर पढ़ाएंगे ठीक है और अगर आपको नीट क्लियर करना है तो मैं आपको एक और चीज बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल एम बाइ बचीवनी प्लीज मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर दिस क्लासेस ठीक है बच्चों तो चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं लेट्स मीट एट नाइन ओ क्लॉक एंड द नीट चैनल नीट चैनल पर नौ बजे मुलाकात होती है फ्रेश न्यू क्वेश्चन फॉर द माइक्रोब चैप्टर ठीक है बच्चों तो चलो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही मैं हूँ सलमान खान की बाइस Keep imbibing. We believe in you.